हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के वीडियो में अगेन हम साइट वर्ड्स के बारे में ही देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने वन सेट ऑफ साइट वर्ड देखा था, जिसमें हमने 10 साइट वर्ड्स देखे थे। आज के वीडियो में हम टू सेट ऑफ साइट वर्ड्स देखेंगे, जिसमें हम टोटल 20 साइट वर्ड्स देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ साइट वर्ड्स क्या होते हैं, हम बच्चे को कैसे लर्न कराएं, साइट वर्ड्स क्यों पढ़ाना चाहिए, उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सभी चीज़ें मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, देन आई मस्ट से यू हैव टू चेक इट आउट। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। अब हम देखते हैं अनदर साइट वर्ड्स के बारे में। मैंने यहाँ 10 साइट वर्ड्स लिए हैं, जिसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। जब भी आप बच्चों को साइट वर्ड्स लर्न कराएं, विथ स्पेलिंग्स लर्न कराएं, जैसे ए को बोलते अ, जी ओ गो, टी ओ टू, एल ओ ओ के लुक, Y O U R योर, A एट एट, S E E C, O N ON, D O D, W I T H with। तो इस तरीके से आप बच्चों को साइट वर्ड्स लर्न कराएं। जब बच्चों को साइट वर्ड्स अच्छे से लर्न हो जाए, जब वो विथ स्पेलिंग साइट वर्ड्स बोलना सीख जाए, आफ्टर देन आप उन्हें सम स्मॉल सेंटेंसेस, इस तरीके के सेंटेंसेस के साथ बच्चों को ईजिली उन चीज़ों को रिपीट करा सकते हैं, रिवाइज करा सकते हैं, तो बच्चे ईजिली लर्न कर लेंगे। Now read this. A go through look your at see on do with. Okay. Read this line. I like your pen. Okay, which sight word is here? Your. Look at my car. Okay. Look. And another sight word is? At. Good job. Can you see is sight word. I was at home. Good job. Now, at. Okay, next one. I see a bug. Okay. See an a. The bug is red. The book is on the table. I like to go to the park. Do you like cake? I like very much cake. Okay, now I am with you. I go to school with my friend. Good job. तो इस तरीके से हम बच्चों को कुछ स्मॉल सेंटेंसेस के फॉर्म में बच्चों को रीड करा सकते हैं। इससे बच्चों की रीडिंग प्रैक्टिस अच्छी होगी। जब बच्चे साइट वर्ड्स अच्छे से लर्न कर ले, आफ्टर देन आप उन्हें कुछ स्मॉल सेंटेंसेस के साथ बच्चों को रीड करें। हियर इज अनदर सेट ऑफ साइट वर्ड, जिसमें आप बच्चों को विथ स्पेलिंग साइट वर्ड्स लर्न कराएं। अगेन 10 साइट वर्ड्स हमने लिए हैं एंड बच्चों को हम वो रिपीट कराएंगे। आप एट अ टाइम ओनली 10 साइट वर्ड्स ही कराएं या 5 साइट वर्ड्स करा सकते हैं, बट आप एक बार में सारे साइट वर्ड्स नहीं कराएं, क्योंकि उससे बच्चे कन्फ्यूज होंगे, उन्हें लर्न नहीं होगा। आप कम कम साइट वर्ड्स सेट बना लें एंड उन्हें कराएं, तो बच्चे ईजिली लर्न कर लेंगे। तो जब आपने बच्चों को स्पेलिंग के साथ साइट वर्ड्स लर्न करा दिए, आफ्टर देन सेम आप इस तरीके से कुछ स्मॉल सेंटेंसेस के साथ बच्चों को इजीली रीड करा सकते हैं। जैसे सेम साइट वर्ड्स को मैंने यहाँ लिख दिया है, कैन रिपीट हो गया है, बट उसके अलावा 10 साइट वर्ड्स ऑलरेडी यहाँ पर है। ही इज माई फ्रेंड। व्हाट इज योर नेम? हिज नेम इज अंश। अंश हैज अ कार। ही कैन राइड अ बाइक। आई हैव वन मोर फ्रेंड। She is my friend. He said, your toy is under the bed. You put your toy in the box. I like your friend. ये simple sentences है और इनमें सभी वही sentences है जो बच्चे normally use करते हैं और या फिर हम बच्चों के साथ बात करते टाइम use करते हैं, ताकि बच्चों को और जल्दी समझ में आए। जैसे he is my friend, his name is Ansh, और he has a car, और he has a toy, something like that। इस तरह के कुछ sentences लिए हुए हैं, और आप भी ऐसे ही same small sentences लें, ताकि बच्चे अच्छे से इजीली लर्न कर सके और उन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट रहे उन चीज़ों को। जब बच्चों को अच्छे से साइट वर्ड्स लर्न हो जाए, आफ्टर देन आप उन्हें ऐसे ही स्मॉल सेंटेंसेस वाली बुक्स रीड कराएं। जब बच्चे डेली बुक्स रीड करेंगे, तो बच्चों को साइट वर्ड्स की प्रैक्टिस होती रहेगी। जब बच्चे साइट वर्ड्स की अच्छे से प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो उन्हें रीडिंग में हेल्प मिलती जाएगी और वो रीडिंग ईजिली कर पाएंगे। तो इसलिए आप बच्चों को साइट वर्ड्स के साथ साथ बुक्स रीड करवाएं। एंड सेम मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि आप पर्टिकुलर एक साइड वर्ड को लेके बच्चों को सेंटेंसेस बनाने के लिए दें, एटलीस्ट टू सेंटेंस, नेक्स्ट डे थ्री सेंटेंस, ऐसे ही आप सभी साइड वर्ड्स के साथ उन्हें सेंटेंसेस बनाने के लिए दें। जब बच्चे सेंटेंस बनाना सीखेंगे, इट मीन्स कि वो इंग्लिश बोलना सीखेंगे, वो रीडिंग करना सीखेंगे।
तो इसलिए आपको बच्चे को साइट वर्ड्स लर्न करवाना बहुत जरूरी है एंड उनकी प्रैक्टिस स्पेशल आपको करवाना जरूरी है। ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने 20 सेट ऑफ साइट वर्ड्स देख लिए। आप बच्चे को एक बार में 10 साइट वर्ड्स ही कराएं, जब बच्चे को 10 साइट वर्ड्स अच्छे से लर्न हो जाए आफ्टर देन आप नेक्स्ट 10 साइट वर्ड्स उन्हें स्टार्ट करें। बट आप बच्चों को जो आपने पहले साइट वर्ड्स पढ़ाए हैं आप उनकी भी उन्हें बार बार प्रैक्टिस करवाते रहें। अगर नहीं कराएंगे तो बच्चे भूल जाएंगे, इसलिए आपको प्रैक्टिस करवाना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने सारे फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं एक अच्छे से नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।